हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देख सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए आज हम माता जी का साड़ी बनाकर लाए हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी हमने चुनर डाल दी है, देखिएगा चुनर डाल दी और ऊपर बेल्ट लगा के डोरी भी डाल दी है कि जितना बांधना चाहें आप टाइट कर सकते हैं। और ये हमने उनकी साथ में साड़ी का पल्लू भी बना दिया है ताकि अलग से नहीं है, आप चाहें तो इसी तरह से आप उनको इस तरह पहना सकते हैं। तो ये हमने उनकी साड़ी तैयार की है और ये हमने उनका देखें ब्लाउज बनाया है। ब्लाउज में हमने ये शेप का बनाया है और ऊपर हमने यहाँ पर आप देखेंगे ये डाल के डोरी डाल दी, उसी कपड़े की हमने डोरी बना दी है। पहनाने के टाइम हम इस तरह उनको इस तरह गले में बांध देंगे। आप चाहे तो बाजार की भी डोरी लगा के बांध सकते हैं। और पीछे से हमने वेलक्रो लगा दी है, इस तरह से हम उनको वेलक्रो से बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे बैक ओपन वाला हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है माता जी का। आशा है आप लोगों को हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो देखें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड, साड़ी के लिए हमने यहाँ माता जी के देखेंगे, यहाँ हमने 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और यहाँ से हम 43 इंच हमने लंबा ले लिया है। आप चाहें तो थोड़ा कम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सॉरी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। अब हमने यहाँ लास्ट तक सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड से हम अपने पल्लू के लिए छोड़ेंगे। पल्लू के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 18 इंच हम पल्लू के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे और 18 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। और जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है उसमें हम देखेंगे तो प्लीज डाल, ये देखिए हमने निशान लगा दिया। हमारे पास 24 इंच कपड़ा हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे, 24 इंच पर इस तरह रख के इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे और इस ताकि घुमा के उसको रख सके। और इसके इस तरह से हम 24 इंच पे दो हमारे पास बचे हैं 24 इंच कपड़ा, उस पर हम इस तरह प्लेस डालेंगे। तो चलिए प्लेस डालें फिर आपको दिखाते हैं। बस कमर जितना रख के हम बाकी प्लेस बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ चुन्नट डाल लिए हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे चुन्नट हो गए हैं। ये हमारे साड़ी के चुन्नट पे तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। देखिए बेल्ट के लिए हमने यहाँ ऊपर 4 इंच हमने कप रखा है चुन्नट डाल के। अब यहाँ पे हम इसकी पट्टी काटेंगे। पट्टी हमने देखेंगे तो 6 इंच की ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अंदर करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी 4 इंच रख के बाकी कपड़ा हम अंदर कर देंगे। और यहाँ पे इस तरह रख के सिलाई करेंगे, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। चलिए सिलाई करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड, हमने यहाँ सिलाई लगा दी। अब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे ताकि जितनी हमको कमर ऊपर चाहिए उतनी हम रख सकें। इसके अंदर इस तरह डोरी डाल के हम यहाँ से इस तरह करके इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, हमने ऊपर इनकी बेल्ट लगा दी, ये डोरी भी लगा दी है। अब हम यहाँ पे जैसे नीचे सिलाई लगाई थी उसी तरह हम यहाँ भी इसकी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड, इस साइड भी हमने सिलाई लगा दी। इस तरह से ये हमारी माता जी की साड़ी जो है तैयार हो गई है।
यहाँ से हम इस तरह निकाल के इस तरह से इनको डाल सकते हैं। ये उनका चुन्नट हो गई है, चुन्नट हो गई, और ये उनकी साड़ी का पल्लू हो गया। तो अब हम ब्लाउज बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम माता जी का ब्लाउज बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच लंबा चौड़ा सॉरी और 7.25 इंच हमने लंबा कपड़ा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से ये हमारी कटिंग हुई। अब हम इसके यहाँ पर देखें ऐसे रख के इसके नीचे का छोड़ के यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, तीनों पे, यहाँ से यहाँ यहाँ पूरा करके यहाँ तक लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक बेल्ट बनाएंगे छोटी सी। देखिए ये जो हमारा कपड़ा है हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम यहाँ पर आप देखिएगा तो हम 2 इंच का पट्टी लेंगे। तो चलिए बना के पट्टी फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। उसके बीच में हम यहाँ पर इस तरह तरफ एक इसको रखेंगे और इसको भी अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम वहाँ से इसको काट देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है उसको हम साथ साथ में काट देंगे। जितना हमने अस्तर का कपड़ा कटिंग की है उसी के बराबर रख के इसकी हम सिलाई कर काट देंगे। इसको भी हम पलटी करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगा लें फिर बताते। देखिए फ्रेंड, अब हमको यहाँ पे बेल्ट बनानी है, इसके अंदर हम डालेंगे उसको। ये हमने 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से करेंगे और यहाँ पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो हम इतनी पतली सी पट्टी बनाएंगे। तो चलिए पट्टी बना के दिखा। देखिए फ्रेंड, हमने पट्टी तैयार कर ली। अब हम इसके अंदर से इसको इस तरह निकालेंगे। इस तरह से जब हम पहनाएंगे तो यहाँ गले में बैग में बांध। अब हम ये देखिए, ये हमारा बच्चा। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से अंदर रखेंगे और इसी तरह इसको रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई कर लें। इसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको भी फोल्ड करेंगे। चलिए फोल्ड कर सिलाई करके दिखाते हैं। फ्रेंड, इस तरह हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर में निशान लगाएंगे पहले, फिर इसका सेंटर। देखिए पहले ये वाला सेंटर में निशान लगाएंगे,
फिर हम इसका सेंटर करेंगे, इस साइड भी और ये साइड भी। तो ये हमारा बैक हो गया है, ये फ्रंट हो गया। अब हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे, ऐसे इतना प्लीट्स डालेंगे। तो चलिए प्लीट्स डाल के फिर आपको दिखाते हैं। एक बार हमने यहाँ प्लीट्स डाल दिए, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पूरे बराबर ब्लाउज की शेप आ गई है, ये ब्लाउज की शेप हो गई। अब हम यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे, नीचे की साइड में हम ये जो सॉफ्ट वाला है उसको लगाएंगे और ऊपर की साइड में जो रफ वाला है उसको लगाएंगे। तो चलिए लगा के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने प्लीट्स भी डाल दी और यहाँ वेलक्रो लगा दिया। और इस तरह पहना के माता जी को इनका पीछे से बंद कर दिया और आगे से हम यहाँ से इस तरह आगे गले से हम इस तरह पहना देंगे। तो इनका ये ब्लाउज तैयार हो गया है और ये इनकी देखेंगे साड़ी तैयार हो गई है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।